नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि व्हाट्सअप मोमिंग स्टेटस कैसे बनाएं चलते मोबाइल स्क्रीन पर, और आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले जान लीजिए, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं पवन यूट्यूब फैमिली। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है VN ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करिएगा और प्रोजेक्ट पे जाइएगा। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद फिर इंपोर्ट में जाइएगा। इंपोर्ट में जाने के बाद इधर नीचे साइड में प्लस का आइकन शो होगा, प्लस के आइकन पे, और फिर गैलरी आपका हो जाएगा। इसके बाद एक साइड वीडियो, एक साइड फ़ोटो का ऑप्शन शो होगा, तो फोटो पर क्लिक कर लीजिएगा। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद मैं इस फ़ोटो को ले लिया हूँ। इस फ़ोटो को लेने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। आपको यहाँ पे ओरिजिनल इस पर सेलेक्ट कर लीजिए किस साइड पे बनाना चाहते हैं। तो मैं टिकटॉक का आईडी, मतलब टिकटॉक का मतलब आइकन शो कर रहा है, उस पर मैं बनाऊँगा। तो फिर इधर भी आपको फ़ोटो ले लेना है दोनों साइड। तो मैं फिर फ़ोटो पर क्लिक करके दोनों साइड उसी फ़ोटो को ले लीजिएगा। ये हो गया, और फिर फ़ोटो पर क्लिक करिएगा। फ़ोटो पर क्लिक करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर जूम जूम का आइकन शो होगा। तो इस फ़ोटो को राइट सेव कर दूंगा और इस फ़ोटो को लेफ्ट कर दूंगा। सेव कर दूंगा, उसके बाद फिर फर्स्ट वाला आइकन पर आऊँगा। तो उसके वीडियो फ़ोटो के ऊपर गैलरी का ऑप्शन शो होगा। गैलरी वाला प्लस पे क्लिक कर दीजिएगा, और प्लस पे क्लिक करने के बाद एक मैं वाइट कलर का बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा हूँ। उसको फ़ोटो को पूरा जूम कर लीजिएगा। जूम करने के बाद यहाँ पर आएगा मास्क, मास्क का ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा। इधर पूरा करिएगा मास्क, मास्क आ गया मास्क। और दो नंबर पे आएगा, दो नंबर पे इस पर क्लिक करके फ़ोटो को थोड़ा नीचे कर दीजिएगा। नीचे करने के बाद तीर को हल्का ऊपर करिएगा। तीर, ये तीर है, तीर को हल्का ऊपर करिएगा। हो गया, उसके बाद सेव कर दीजिएगा। और फोटो जितना फ़ोटो का ड्राउन है उसको इसको बढ़ा लीजिएगा। बढ़ा लेने के बाद फिर शुरू में आइएगा। शुरू में आने के बाद फिर इसी पे क्लिक करिएगा। इसी पे क्लिक करने के बाद एक वाइट कलर का स्टेटस वीडियो डाउनलोड कर रखा हूँ, उस पर क्लिक करूँगा। आप यूट्यूब पे वाइट कलर बैकग्राउंड स्टेटस लिख के सर्च कर लीजिएगा। जिस गाना पे आपको बनाना चाहेंगे उस गाना मिल जाएगा। मैं ले लिया हूँ, यहाँ से जूम करके, और ब्लेंडिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर देखूँगा। पहले शुरू में चलता हूँ, मैं इसको प्ले करता हूँ। हाँ, अब आइकन शो हो रहा होगा और ब्लेंडिंग का ऑप्शन अब आएगा। ब्लेंडिंग का ऑप्शन आ गया। अब इसको ब्लैक कलर को हटाना है हमको। ब्लैक कलर को हटाना है बस इसी पे, और रुक के और ब्लेंडिंग पे ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। और देखिएगा किधर आपका एक बैकग्राउंड हट रहा है, वो ब्लैक वाला। मैं इसमें चूज करूँगा, ये मेरा हट गया। और फिर अब इसी को इसी पे सेव कर दीजिएगा। और सेव करने के बाद उसी पे टैप करके इसको थोड़ा जूम कर लीजिएगा, उतना नहीं मत, अपने हिसाब से जूम कर लीजिएगा। जूम करके यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। फिर हो गया, हो गया। उसके बाद मैं फिर फर्स्ट वाला आइकन पे क्लिक करूँगा। ये वीडियो का मेरा ड्राउन बन बढ़ गया है। उसके बाद सबसे फर्स्ट वाला आइकन पे उसी गाने को मैं गैलरी में जाऊँगा, उसी म्यूजिक पे क्लिक करके वही वाला गाना यहाँ पे ले लूँगा, प्लस कर दूँगा। प्लस करने के बाद सेव कर दूँगा।
सेव करने के बाद आप लोग को मैं गाना अपना इस पे प्ले करके और आप लोग को सुनाऊंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, तब तक लिए आप लोग को करके एक बार सुना दें। ओ सॉरी, मैं ब्लूटूथ कनेक्ट किया हूँ, इसके लिए मैं ऑफ करके आप लोग को एक बार प्ले करके दिखाऊंगा। देख लीजिए, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।